हसन, आशा करते हैं आप सब ठीक है, आपके सारे बाश भी बहुत अच्छे। तो आज मैं मेरा कॉकटेल का जो सेटअप का ट्रे है वो अभी मैं साफ करूंगा, तो कैसे साफ करते हो अभी आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैंने साफ करना स्टार्ट कर दिया था, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक को क्लीन कर लिया है, और मुझे लगा कि आपके साथ वीडियो बना के एक शेयर करूँ कैसे साफ करते। तो जिस फ्रेंड ने मेरी तरह ये ट्रे बनाया है, ये बहुत पतला जो है सीट से बनाया हुआ है, इस तरह का सीट से बनाएंगे तो कैसे साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कैसे साफ करेंगे वही आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर से आपको जिस केच को साफ करना होगा वहाँ से पूरा ये सीट्स का ट्रे बाहर निकाल लेना होगा आपको, और जिसमें मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ इसको भी बाहर निकाल लेना होगा, और फिर ये ट्रे को आप बाहर निकाल सकते हो। तो चलिए देख पहले आप दरवाजा को लगा देते हैं, नहीं तो बाहर भी बाट जो है बाहर चला आ सकता है। तो अभी यहाँ पर हम इसको खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, देखिए क्योंकि मैंने ये घर में बनाया इसलिए थोड़ा जाम हो रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा है मेरे ख्याल से। मुश्किल तो होगा थोड़ा बहुत क्योंकि अभी ये टोटल बाहर आ गया है। तो यहाँ पर ये मेरा ट्रे जो है मैंने बाहर निकाल लिया, और अंदर मैंने जो कुछ काल नीम का तो लीफ दिया था खाने में, नीम का पत्ता दिया था, वो सब कुछ रह गया, तो इसे हम हाथ से बाहर निकाल देते हैं। और देखिए नीचे का केज अभी दिख रहा है, तो अभी ये कंप्लीट हो गया लगभग, तो दोबारा हम इसे लगा देते हैं। और ये इसको जो साफ करेंगे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, नीचे का जो होगा ये आपको साफ सुथरा रखना है, ठीक है। अब अगर ये नीचे का साफ सुथरा नहीं रखेंगे, नीचे कुछ गिर गया तो ऊपर से ये, क्योंकि ये बहुत पतला सीट से बनाया हुआ है, आप लोगों को तो मैंने बताया था कि ये बहुत पतला सीट से बनाने से आपका खर्चा थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो आप लोग भी कैसे बनाते इसका वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो मैं लॉकडाउन के बाद आपको बता दूंगा कि सीट कैसे बनाते हैं, ट्रे कैसे बनाते हैं कम खर्चे में। तो चलिए अभी हम इसको क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले जितना सारा है इसको हमें इस तरह से निकाल देना है, ठीक है। तो मैंने और अभी हमारे पास देख सकते हैं ये चीज़ है, ये हम खेत को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी वो ये ट्रे साफ करने के लिए भी इस तरह का एक चीज़ मिलता है, हमारे पास नहीं है तो हम इससे ही काम चलाते हैं। तो आप लोग अगर शहर में रहते हो तो इस तरह का कुछ चीज़ खरीद लेना, जहाँ पर वो मिलता है वहाँ पर से कुछ खरीद लेना इस तरह का चीज़, देख लीजिए इससे हम साफ करेंगे। तो पहले वीडियो बनाना उसलिए पैर से इसको इस तरह से आपको साफ करना होगा, और हल्का करके करना, खूब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपका सीड एल्युमिनियम का सीड जिससे हमने बनाया वो बहुत नरम है, ठीक है। ज़्यादा जोर से करेंगे तो ख़राब होने का डर रहता है, तो धीरे धीरे करना होगा। आपको पानी देने का कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप पानी से करना चाहते हो तो फिर सूखा के आपका केज में देना होगा। तो देखिए हो गया, हर मंगलवार को मैं साफ करता हूँ इसलिए इतना ज़्यादा गंदगी भी नहीं है, ठीक है। देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ, अब चाहे तो इसको पानी से भी धो सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस तरह से कर देता हूँ, पानी में नहीं धोता। और भी मुझे बहुत सारा ट्रे निकाल के साफ करनी है, टोटल 8 है, 8 को अभी साफ करेंगे, फिर नया सेटअप में वो फिंच का सेटअप में जो ट्रे लगाया हुआ है उसको भी हमें साफ करना होगा। वो वीडियो हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ यही वाला वीडियो बना रहा है। तो चलिए यह अभी साफ हो गया, इसको हम देखिए लगभग पूरा साफ हो गया, चाहे तो अभी आप इसके और भी साफ करना होगा तो आपको इसको पानी से धोना पड़ेगा। बोले मैं पानी से नहीं धोऊंगा, अभी इसको लगा देते हैं इसकी जगह पर,
लेकिन ये मैंने घर में बनाया इसलिए थोड़ा जाम कर रहा है। तो अभी ये चलाया इसके अंदर, मतलब कि यहाँ पर से तो देखिए मैंने घर में काटा था, तो यहाँ पर से और एक काट लेता तो सही होता, यहाँ पर से भी और एक काट लेता सही होता, तो मैंने नहीं काटा क्योंकि घर का है, हमारा चीज़ है, हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे से काट लेंगे इसलिए। ठीक है, तो आप लोग का अगर इस तरह का ट्रे कोई बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा चौड़ा करके रखना, तो आपका ईजी चला जाएगा। चलिए अब इसके अंदर दे देते हैं। देखिए अभी हमने इसको अंदर डाल दिया पूरा। ठीक है, तो अभी ये सारे ट्रे भी हम साफ करेंगे नीचे का। तो अब जब कोई ट्रे साफ करेंगे तो सबसे पहले ऊपर का कर लेना, क्योंकि ऊपर का अगर ट्रे साफ करने को कुछ अगर नीचे गिर जाए तो नीचे का ट्रे में रह जाएगा। अगर आप नीचे का साफ कर लेंगे पहले और फिर ऊपर का साफ करने आएंगे तो ऊपर से कुछ हो सकता है कि नीचे गिर जाए। तो इसलिए आज का वीडियो अच्छा लगे लाइक देना, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।